बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, मॉर्निंग व्लॉग से मैं स्टार्ट कर रही हूँ व्लॉग, और बिल्कुल मैं अपनी फैमिली मेंबर न्यू फैमिली मेंबर से आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। तो यहाँ जिन लोगों का लंच बॉक्स मैं रेडी कर दी थी बच्चों का, ये ऑमलेट ब्रेड मैं बनाई थी आज इन लोगों का मन था कि सैंडविच ही लेकर जाना है, तो उसके साथ मैं फ्रेंच फ्राइज और ये केक वगैरह रख दी थी, पफ पेस्ट्री जो है तो वो मैं रख दी थी। और आज मुझे नाश्ता नहीं बनाना था क्योंकि ना आज मैं मतलब हम लोग पहले से डिसाइड कर रहे थे कि नाश्ता आज बाहर से ही लेकर आएंगे, तो बाहर से हम लोग लेकर आ गए थे, ये जब ये फजर की नमाज़ पढ़ने गए थे ना तब लेकर आ गए थे इडली सांभर वगैरह। अच्छा यहाँ बच्चे रेडी हो रहे थे, तो खैरत यही बोल रही थी मम्मी ऐसा कौन वीडियो निकालता है, मन चलो ठीक है आप लोग रेडी हो जाओ। और अच्छा जी यहाँ ना 6 o'clock हो रहे हैं, लेकिन देखिए अभी कितना ज़्यादा ये अंधेरा है, बहुत ज़्यादा अंधेरा है। और आजकल ना 6:30 पे मतलब ऐसा सनराइज हो रहा है। तो यहाँ जी बस नाश्ता लेकर आ गए थे, इडली डोसा और ये मेंदू वड़ा। इडली बच्चे खाते हैं, डोसा मैं और मेंदू वड़ा ये, तो जिसका भी जो भी फेवरेट है तो वो अपना नाश्ता कर रहा था। और सिर्फ मैं इन लोगों को लंच बॉक्स ही आज मैं बनाकर दी थी टिफ़िन। और ऑमलेट ब्रेड की भी रेसिपी ऑलरेडी है मेरे चैनल पर, तो उसका भी मैं लिंक दे दूँगी आई बटन पर, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। और बिल्कुल लास्ट तक व्लॉग देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और आज मैं अपने साथ शेयर करूँगी ये मलाई केक की रेसिपी, क्रीमी पास्ता और सीख कबाब विद ग्रेवी। तो सबसे पहले तो इंस्टेंट मलाई केक बना लेते हैं। तो यहाँ पर जी ले लेंगे 500 ml दूध ले लेंगे, मिल्क ले लेंगे और बिल्कुल, और इसे अच्छा सा बॉईल होने देंगे, ठीक है। बॉईल हो जाएगा तो अपने हिसाब से आप शक्कर डाल देंगे, ठीक है, और इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। शक्कर वो हो जाएगा तो गर्म हो जाएगा तो अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। और यहाँ 3 से 4 चम्मचे ले लेंगे दूध, और दूध में टन डालेंगे 1 चम्मच डालेंगे अपन ये फ्रूट ये सॉरी कस्टर्ड पाउडर, और 2 चम्मच डालेंगे कॉर्नफ्लोर, ठीक है। कॉर्नस्टार्च भी ले सकते हैं और चावल का आटा और मैदा भी ले सकते हैं, ठीक है, अगर आप लोगों के पास ये नहीं है कस्टर्ड पाउडर तो, ठीक है जी। ये अच्छा सा मिक्स कर देंगे, स्लरी बना लेंगे और बिल्कुल लम्स फ्री बनाएंगे, और इसे अच्छा सा ना धीमी आंच पे मतलब ये ऐड भी करते जाएंगे और अच्छा सा ये अपन चम्मच भी चलाते जाएंगे, ठीक है, ताकि इसे लम्स फ्री बनाना, लम्स ना बने, ठीक है। इसलिए ये कंटिन्यू अपन ये चलाते रहेंगे जो भी ये चम्मच है ना, ठीक है। जैसा अपन फ्रूट कस्टर्ड के लिए बनाते हैं ना, तो वैसे ही अपन को रेडी कर लेना है कस्टर्ड पाउडर। और इसमें ना आप कलर भी डाल सकते हैं, वैनिला एसेंस, और इसमें मैं पाइन एप्पल एसेंस डाली, ये बहुत अच्छा लगता हम लोगों को, तो मैं ये डाली और इसे अच्छा सा। अच्छा यहाँ देखें, यहाँ मैं चेक कर रही थी कि बिल्कुल भी मतलब गाढ़ा नहीं था, थोड़ा सा थिक नहीं हुआ था। और यहाँ 2 चम्मच डालेंगे क्रीम, ठीक है, फ्रेश क्रीम ले सकते हैं और मलाई वगैरह भी ले सकते हैं, इंडिया में ज़्यादातर मलाई घर पे भी मिल जाता है, और नहीं है तो आप फ्रेश क्रीम अमूल क्रीम कोई सा भी ले सकते हैं। और उसके बाद यहाँ मेरा मीठा रेडी हो गया था, तो मैं ठंडा करूँ हो जाएगा फिर मैं असेंबल करूँगी। और यहाँ जी मैं बना रही थी नान, तो नान के लिए फिर यहाँ रोटी ये आटा गूंथ के मैं रेडी कर ली थी ताकि रेस्ट मिले इसे आटे को। और यहाँ जी मैं बना रही थी सीख कबाब, तो उसका भी लिंक पे मैं दे दूंगी, उसका लिंक आई बटन पे आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। सीख कबाब मैं पहले भी बना चुकी हूँ, चिकन मलाई वो चिकन सीख मलाई भी बना चुकी हूँ और कोफ्ता वगैरह भी, ठीक है। तो इसकी रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर रही हूँ, सिर्फ ग्रेवी की रेसिपी इसके आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। अच्छा मैं गोल कोफ्ता बनाई थी, लेकिन इसमें ना मैं थोड़ा सा शेप चेंज करी, थोड़ा सा ये लंबे शेप में दी हूँ, ठीक है, तो आप किसी भी शेप में बना सकते हो, गोल भी बना सकते हैं। अच्छा जी ये मलाई केक को असेंबल करने का प्रोसेस देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो एक कंटेनर ले लेंगे ऐसा, तो इसका ज़्यादा वॉल्यूम नहीं था तो मैं सिर्फ एक ही मतलब लेयर लगाई हूँ, आप चाहें तो 2 लेयर लगा सकते हैं अगर इसका मतलब वॉल्यूम ज़्यादा है, हजम बोलते हैं, ठीक है, तो ये कंटेनर का आपका वॉल्यूम ज़्यादा है तो आप 2 लेयर लगा सकते हैं। और केक के ऊपर लगा देंगे ये जूस ले लेंगे, मैंगो जूस, ऑरेंज जूस कोई सा भी ले सकते हैं, और उसके ऊपर लगा देंगे जो अपन कस्टर्ड पाउडर रेडी करे थे ना, तो वो लगा देंगे और इसे 2 घंटे तक फ्रिज में रखेंगे, ठीक है। और आप केक की जगह ना रस की टोस्ट भी ले सकते हैं और उस पर जूस लगा सकते हैं, सॉरी जूस की जगह ना शुगर सीरप का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी, तो वो भी बहुत मज़े का बनता है। अच्छा यहाँ एक पैन ले लेंगे, हल्का सा तेल गर्म करेंगे और फिर ये सीख कबाब जो है वो अपन फ्राई कर लेंगे, ठीक है, अच्छा सा मतलब फ्लिप करते हुए ये फ्राई कर लेंगे अपन सीख कबाब। अब ये दूसरा बैच था, ठीक है, और बहुत जबरदस्त बन जाता है ये, आप गोल शेप में भी बना सकते हैं, तो गोल शेप में मैं बनाई हूँ कबाब,
तो उसका लिंक मैं दे दूंगी आई बटन पे, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। और उसी पैन में या फिर आप दूसरा पैन भी चेंज कर सकते हैं। मैं उस तो उसी तेल में ये शामिल कर दी थी प्याज, ठीक है, दो प्याज कट करी थी, काजू जरा सा और 4-5 हरी मिर्च, और मिर्च नमक वगैरह ना आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ही रखा करें, ठीक है। ये अच्छा सा मतलब फ्राई कर लेंगे हल्का सा, बिल्कुल मतलब कैरमलाइज्ड होना चाहिए, कलर थोड़ा सा हल्का सा चेंज होना चाहिए, ठीक है, प्याज का। फिर से ठंडा करके अच्छा सा मिक्सर ग्राइंडर में ना पानी डाल के ग्राइंड कर लेंगे। अच्छा जी, यहाँ क्रीम पास्ता देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं पानी ले ली थी, पानी में डाली थी ऑयल और नमक शामिल करी थी, और अच्छा बॉईल होने लगेगा, ठीक है, तेज आंच पे रखेंगे, बॉईल होने लगेगा तभी अपन को पास्ता डालना है। अच्छा यहाँ पे ना 70% अपन को सिर्फ पास्ता बनाना है। अच्छा ये यहाँ दिखा रहे हैं जो लाइनिंग रहती है ना, तो वो ना ऐसा जो ग्रेवी रहता है, जो मतलब क्रीमी टेक्स्चर बनाएंगे ना अपन, तो वो जज्ब करने के लिए ऐसा लाइनिंग लाइनिंग रहता है पास्ता में। तो आप लोग और यहाँ जी एक वेसल ले लेंगे और उसमें डालेंगे 2 चम्मच अच्छा सा बटर और 2 से 3 चम्मच डालेंगे मैदा, ठीक है, और बिल्कुल उसी के ऊपर डाल देंगे, बटर के ऊपर ही, बिल्कुल ऐसा नहीं कि मेल्ट हो जाएगा तो ही मतलब मैदा शामिल करना है, वैसा नहीं। अच्छा ये थोड़ा सा झाग ऐसा बनने लगेगा ना तो, और अच्छी सी खुशबू आने लगेगी मैदा और ये बटर का, तो उसके बाद अपन ये दूध ऐसा शामिल करेंगे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा दूध करेंगे शामिल, ठीक है, कम से कम मतलब 1 कप के करीब। और यहाँ जी मैं डाल दी थी फिर सीजनिंग डाल देंगे अपन, काली मिर्च का पाउडर डाली थी, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा ऑरिगैनो है तो डालें, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। और फिर हल्का सा नमक डाल दी थी मैं, नमक ज़रा कम डाली थी क्योंकि मुझे चीज़ स्लाइस भी डालने थे। आप मोज़रेला चीज़ या शेडर चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। ये क्रीमी पास्ता अपना रेडी हो गया और फिर उसके बाद ये अपन 30% जो रहेगा ना, तो फिर अपन पास्ता क्रीम में डालने के बाद पकाएंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, जब अपन बॉईल करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, ठीक है, 70% ही सिर्फ पकाना है। और अगर जब आप लोगों का ना ये थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा तो इसे और दूध शामिल करके फिर आप कर सकते हैं, मतलब जब ठंडा होता है ना थोड़ा सा ये हो जाता है तो आप दूध शामिल करके इसको अच्छी से ग्रेवी में फिर से कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा जी यहाँ ग्रेवी बना लेते हैं सीख कबाब की। तो यहाँ पैन ले लेंगे और पैन में ऑयल शामिल करके लहसुन अदरक हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे। अच्छी सी भुनाई करने के बाद जो प्याज का मिक्सचर जो अपन ये पानी डाल के जो पीसे रहेंगे ना तो वो ऐड कर देंगे और उसके बाद डाल देंगे, फिर अच्छी सी भुनाई करेंगे, ठीक है, थोड़ी देर भुनाई करने के बाद ताकि जो रॉ स्मेल रहेगी ना वो निकल जाए। फिर उसके बाद डाल देंगे 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर और गरम मसाला, ठीक है जी। हल्दी वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है, मैं क्योंकि ग्रीन मसाले बना रही इसलिए हल्दी का इस्तेमाल नहीं करो। और अच्छी सी भुनाई करने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी 2 चम्मच दही शामिल कर दूंगी और फिर हल्का सा नमक, ठीक है जी। और दही को आप ना ऐसा फेंट के अच्छा सा डालें, ठीक है, और इसे अच्छी सी भुनाई करेंगे जब तक ऑयल अच्छा सा रिलीज ना हो जाए, तब तक इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे मीडियम फ्लेम पे, ठीक है जी। और यहाँ पे फिर थोड़े देर के बाद अच्छी भुनाई हो गई थी तो फिर मैं थोड़ा सा क्रीम ऐड कर दी थी। बहुत ज़बरदस्त लगता है, बहुत ही क्रीमी टेक्स्चर आया था ये सीख कबाब ग्रेवी का। अगर आप लोगों ने कभी नहीं ट्राई किया तो ज़रूर ट्राई करें। और बिल्कुल यहाँ देखें जी, यहाँ तेल मेरा कितना अच्छा सा ऑयल नहीं रिलीज हो गया, यानी कि अच्छा मेरा भुन चुका है। तो इसमें डाल देंगे जो भी सीख कबाब अपन रेडी करे थे ना फ्राई करके, तो वो ऐड कर देंगे। और आप अपने हिसाब से कितना आपको थिक चाहिए तो उसके हिसाब से आप पानी ऐड कर देंगे और अच्छा सा बॉईल आने के बाद फिर फ्लेम ऑफ कर देंगे। बस ये दैट्स इट, ये अपना बन गया सीख कबाब विद ग्रेवी। बहुत ज़बरदस्त बनता है ये, मैं नान के साथ बनाई थी, नान के साथ खाने के लिए बनाई थी, ठीक है जी। और यहाँ हो रही थी बिरयानी की तैयारी, मटन बिरयानी, और उसकी भी रेसिपी ऑलरेडी है मेरे चैनल पे, तो उसका भी लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगी। चिकन बिरयानी मटन बिरयानी दोनों की, चिकन बिरयानी दे दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन में, आप लोग चेकआउट कर लें। और यहाँ नान बनाई थी और विदाउट बटर, ठीक है जी, और बटर के साथ भी मैं नान कुलचा तवा नान बनाई हूँ, तो उसका भी लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप चेकआउट कर सकते हैं। और ये मैं किस खुशी में बना रही थी ये डिनर, हुदा का बर्थडे था। वैसे तो बर्थडे हम सेलिब्रेट नहीं करते हैं क्योंकि 18 जनवरी को था और मैं बहुत दिनों के बाद ये मैं बनाई, 18 जनवरी को मीन्स मैं नहीं बनाई थी, ठीक है जी। तो उस 2-3 दिन के बाद मैं ये डिनर वगैरह का एहतमाम करी थी क्योंकि मुझे हमेशा मैं बनाती थी पहले ना, जब मैं वीडियो नहीं बनाती तो भी मैं अच्छा मतलब डिनर या लंच बच्चों के उसमें मतलब बनाती थी, अच्छा लगता था मुझे। तो लेकिन फिर मैं बोली जब मैं आजकल वीडियो भी बनाने लगी, व्लॉगिंग करने लगी, तो मैं सोची कि अच्छा सा डिनर भी प्रिपेयर करूं और अपनी लवली यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करूं। आप लंच में भी ऐसे भी बना सकते हैं अपनी फैमिली के लिए, अच्छा लगता है कभी कभी। और बहुत दिन हो गए थे मुझे अपने घर वालों के लिए कुछ अच्छा सा बनाने का, बहुत ज़्यादा मन कर रहा था। अच्छा जी यहाँ मैं बोली थी ना क्रीमी पास्ता, तो जैसे ना अपना
बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा, तो अपन दूध शामिल करेंगे। ठीक है, दूध अच्छे से बॉईल करने के बाद भी ये डाल सकते हैं, या फिर ये गर्म करके ना दूध भी आप ऊपर से भी डाल सकते हैं। ठीक है, दोनों मतलब उसमें आपका क्रीमी पास्ता हो जाएगा अच्छा रेडी। जब भी आप सर्व करें ना, तो बस दूध अच्छे से बॉईल करें और क्रीमी पास्ता, ये पास्ता डाल दें, तो ज़बरदस्त हो जाएगा। और यहाँ देखिए कौन आया है, आ जाइए, देखिए तो ये क्या कर रहा है। अभी दरवाज़ा खोलूँगी ना, नीचे से आ गया, ये नमाज पढ़ने के टाइम आए थे तो आ गए पीछे पीछे, अभी देखने यहीं खड़ा होगा। अरे चला गया क्या एल्सा, चला गया बाबा, नहीं मालूम। अरे बुट बुट, ये तो अंदर घुसा था इसके अंदर ये शूज रैक में घुसा था, शूज रैक में घुसा था, अंदर छुप के बैठा था हाँ ठंडी लग रही होगी। अभी दी मछली एल्सा, इसका नाम अपन एल्सा रख देते हैं। एल्सा, ए एल्सा अरे मेरा बच्चा हाथ से ऐसे कर रहा हूँ, वो बहुत होशियार लग रहा। देखते हैं आपके पीछे जाते हैं कि नहीं। अरे अभी अभी इसके सामने बैठा है। हाँ भाई किधर, खा लिया बाबा कान कुछ कटा हुआ पता नहीं। हाँ ये चल रहे बाबा, मेरे पास मत आ तुम ये जा रहे देख देख तेरे मालिक जा रहे हैं। एल्सा, इसका नाम एल्सा ही रख देते बाबा। हाँ ये चल, मजा आ रही है। हाँ हाँ नया मेहमान आया एल्सा, क्या नाम है हुदा इसका? रॉकी भी अभी बिग बॉस देख रहा था ना, देख 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 रहे हैं, इधर इधर फेस करना उसका बिग बॉस का। अरे इसकी चमक रही इसमें वीडियो में, ए रॉकी कल नहला देगा बाप रे क्या क्या है ये घर में एक न्यू कैट आ चुके है। अच्छा क्या नाम है कैट का? रॉकी स्टार। रॉकी स्टार यस, हमारा न्यू फैमिली मेंबर है रॉकी, और ये है जी इंस्टेंट मलाई केक। और 2 घंटे बिल्कुल इसे फ्रिज में रखें, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आएगा। और इतनी सारी रेसिपी मैं बताई, क्रीमी पास्ता, मलाई केक और कबाब विद ग्रेवी, तो आप वो 2 डिश ना बनाएं तो चलेगा, लेकिन ये डिश तो ज़रूर बनाएं। इसकी रेसिपी मतलब बहुत ज़बरदस्त है, मतलब बहुत मतलब अच्छा लगा हम लोगों को। जैसे इन्हें तो ये सब नहीं पसंद है उतना स्वीट डिश, लेकिन ये बोले बहुत ज़बरदस्त बना था, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें अगर कभी नहीं ट्राई किया है तो। ठीक है, आपके बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आप केक की जगह बिस्किट का भी यूज़ कर सकते हैं, रस्क टोस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, और उसके ऊपर मतलब शुगर सिरप भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप लोगों को जूस नहीं पसंद है तो। ठीक है जी, और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम यूजर आईडी अंसर इफ्रा। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।